उन्हें तो फांसी देना चाहिए, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, हमको न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, फांसी चाहिए, फांसी चाहिए, फांसी, हमें तो न्याय चाहिए। लड़की लोग के ऊपर इसलिए मीटिंग रखी है अंजिता मैडम ने, इसलिए हम सब आए हैं। लड़की लोग के भविष्य का सवाल है, अगर आज हम मीटिंग नहीं करेंगे कल के हमारे लड़कियां हैं, कुछ ना कुछ बनेगा। हमारे हनुमान नगर में भी कांड हो गया है, नजदीक आते टाइम थोड़ा ना लगेगा। तो इसलिए हम ये बोलते हैं कि मतलब लड़की लोग के साथ जैसा हो रहा है, सीधा गोली से सारे आम सीधा गोली से छल्ली कर देना चाहिए, ताकि करने वाले को रोवा कांप उठे कि सामने वाला फिर कर ना सके। बस हम यही चाहते हैं। अच्छा, बदलापुर की घटना सुनते हो या फिर बंगाल की घटना? अब जो लड़की के साथ हुआ वो माँ का तो हाल हम लोग जानते हैं, क्योंकि हमारी भी बेटियां हैं, उनपे क्या गुजर रही होंगी, उनपे क्या बीत रही होंगी, वो तो हमको भी मालूम है। कल को उनकी लड़की के साथ हुआ, आज हमारी लड़की के साथ भगवान न करे। इसलिए हम सरकार यही चाहते हैं कि लड़कियां हमारी सुरक्षित रहे, जाएंगी ना बाहर, कॉलेज नहीं जा रही लड़कियां हमारी डर के मारे, तो हम क्या करें? घर में बैठा के रखे लड़कियों का भविष्य कैसे बनेगा जब डर के रहेंगी लड़कियां ऐसी? तो मैं चाहती हूँ हमारी सभी बच्चियों को न्याय चाहिए। जो बदलापुर में, हमारे हनुमान नगर में, सभी जगह जो हो रहा है, हमें वो अत्याचार नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी भी बच्चियां हैं, दूसरों की जैसी बच्चियां वो हमारी बच्ची। आज हम दूसरों की बच्चियों पे देख रहे हैं, कल को हमारी बच्चियों पे आएगा, कौन आएगा हमें देखने? तो हमें भी आज हम नियंत्रित खड़े रहेंगे सभी के लिए, तो सभी हमारे जिस अपराधियां जो जैसे जैसे लड़कियां तड़प तड़प के वो करे ना, वैसे अपराधियों को भी किए जैसा जाती थी। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह की घटनाएं सुनने में आ रही है बदलापुर हो या बंगाल की घटना, जो लड़कियों के साथ बेदर्दी जो हत्या कर रहे हैं, वो लोग को फांसी देना चाहिए। हम लोग को बच्चे को लिए इतना मतलब गंदा रखकर उठा रहे हैं, बच्चे हमारे डर डर के जी रहे हैं, बाहर नहीं निकल सक रहे हैं, क्या घर में बैठ के चलेगा क्या है? उसके लिए हम सब महिलाएं मिल के ये मीटिंग की है। मांग यही है कि वो लोग को सजा दीजिए, वो लोग को फांसी पे चढ़ाइए, तुरंत का तुरंत फांसी पे चढ़ाइए। और भी लोग आगे भी ऐसे करेंगे, सजा तो मिलनी चाहिए। एक तो हमारे यहाँ पे सरकार ने जो कायदे कानून बनाए हैं, उसके प्रति किसी भी जेंट्स इंसान को जो बलात्कारी है, जो बलात्कार करते हैं, उनके मन में डर नहीं है। अगर हमारे यहाँ पे कानून सख्त हो, जैसे 8 दिनों के अंदर या 15 दिनों के अंदर हर बलात्कारी को सजा मिले, तो उनके दिल में डर या खौफ बैठ सकता है। आज हमारी बच्चियां स्कूल में और जगह पे भी कहीं पर भी सेफ नहीं है। ये दरिंदे छोटे छोटे 2-2.5 साल की मासूम बच्चियों को भी उनकी जिंदगी के बर्बाद कर देते हैं। ऐसे लोगों को हमारे हिसाब से अगर सरकार उनको सजा नहीं दे सकती है, तो हमारे पब्लिक के हवाले कर दे कि वहाँ पे उन माँ बच्चियों के माँ बाप से पूछे, उन बच्चियों से पूछे कि उनके साथ में जो हादसा होता है वो किन मुसीबतों में से और किस दर्द से गुजरते हैं। आज हम यहाँ पे माननीय डॉक्टर अजंता मैडम के नेतृत्व में आज हमने काली पट्टी मुंह पे ये काली पट्टी हमने जो भ्रष्टाचारी सरकार है जो इन बलात्कारियों का साथ देती है, उनके लिए कायदे कानून सख्त नहीं करती है, ये उनके विरोध में हमने बांधी है। माननीय डॉक्टर अजंता मैडम के नेतृत्व में हम सारी महिलाएं यहाँ पर इसका निषेध करने के लिए हमने मुंह पर और हाथ में काली पट्टी बांधकर हम यहाँ पे आए हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
नहीं चलेगी, नहीं चलेगी दादाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी दादाशाही, नहीं चलेगी। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदल ली है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदल ली है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।